इस वक्त हमें ना अली उनसा शाह ने ज्वाइन किया जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आप एमपीए या एमएनए या वैसे आप बाय द वे किस पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं एज एन एमएनए। ओके उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद है, अली राशिद जो कि साबिक एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं पीपल्स पार्टी के और अब आगे फिर से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन। तो जरा इनके कार्ड्स निकालिए, इनका मुस्तकबिल का हाल अहवाल जरा इन्हें दीजिए, वो भी काफी एक्साइटेड लग रहे हैं सुनने के लिए। तो इनके लीडर के भी बात करते हैं कि उनका कार्ड क्या कहता है। मुझे काफी अच्छी लगती है जी। नाम और डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइए। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जनवरी 9th ऑफ जनवरी। नाम बताइए पूरा। अली राशिद। उनसा जो हैं वो अब अपने कार्ड फैला चुकी हैं और उसमें से अली के लिए कार्ड निकल रहे हैं और साथ साथ मुस्कुरा रही हैं। लग रहा है खुशखबरी। अच्छा उनसा की जो आवाज है ना वो अली को भी आनी चाहिए ताकि वो खुद से सुन लेंगे वो क्या कह रहे हैं। पीसीआर ये इंश्योर कीजिएगा। नहीं नहीं अभी आएगी आपको जी। अच्छा कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है इनके लिए। 3 of cups का कार्ड है, फिर हैरिफिन का कार्ड है। इलेक्शन हुए पे आपका बहुत ज्यादा जोर था, ये हुए क्यों? मतलब नहीं हो रहे इलेक्शन आपके ख्याल में? इलेक्शन का कार्ड अच्छा नहीं आ रहा? नहीं, विश स्टार का कार्ड है। देखे उनसे ध्यान से अभी कह दिया गया, जो कहेगा नहीं हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, मैं मेरे पास जो कार्ड है वो उम्मीद का कार्ड है। ये नहीं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, होप्स अच्छी होनी चाहिए। तो लगता तो है कि इलेक्शंस होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत डिले हो जाए। अच्छा। लेकिन इलेक्शंस 2024 में नजर तो आ रहे हैं। अच्छा अली ने ये भी बताया है कि हमारी फेडरल में भी गवर्नमेंट बनने जा रही है और हम सरप्राइज देंगे, तो जरा इस हवाले से पीपल्स पार्टी के कार्ड निकालिएगा। ओके, जस्टिस का कार्ड है तो सही तो कह रहे हैं कि कोशिश तो यही करेंगे कि बैलेंस हो, यानी कि ओवरऑल इनकी मेजॉरिटी हो। सही, तो मेजॉरिटी का मुझे कार्ड अगर जस्टिस हुआ तो ये जीत सकते हैं। कोशिश तो सभी की है, कोशिश तो फिर सभी की है। नहीं, फ्यूचर तो अच्छा है वैसे। जस्टिस का कार्ड है, मेजर कार्ड होता तो है। बिला जो इनके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनका कार्ड बताइए को वजीर आजम वाला है या नहीं? उन्होंने कहा कि जस्टिस का कार्ड है और ये जो आप लोगों की कोशिश है ना कि आपकी फेडरल में भी गवर्नमेंट बने, इसके चांसेस हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, मान नहीं। अच्छा यहाँ पे क्वीन ऑफ बॉक्स का कार्ड है बिलावल साहब के लिए और बिलावल भुट्टो का मतलब क्वीन का कार्ड है। अच्छा, और हाँ अच्छा तो बिलावल का क्वीन का कार्ड क्यों है, किंग का कार्ड होना चाहिए। हाँ किंग का होना चाहिए, लेकिन वही मैंने कहा कि जैसे आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वजीर आजम के चांसेस जरा कम लग रहे हैं। तो दूसरी शादी की बात मैं नहीं करूंगी, गलत हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएगा कि आगे हालात इनके कारोबार के लिहाज से, लाइफ में सक्सेस के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कुछ जरा इनको बताए ना, बहुत एक्साइटेड है। आपने बस एक ही बात बता दी। मल्टी टैलेंटेड है आप जी। और मल्टी टास्किंग करते हैं, बाकी आप खुद ही सुनिए। तो मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि मुझे लगता है कि तो टैलेंटेड माशाल्लाह बहुत है, फिर किंग का कार्ड है, पैशन है इनके अंदर, काम करने का जज्बा है, एनर्जी है, कोई जो भी काम करते हैं बड़े पैशन के साथ करते हैं और चाहते हैं कि कोई उनको जो अथॉरिटी पोजीशन के ऊपर मतलब कोई अथॉरिटी मिलती रहे, मतलब लीड करते हैं, लीडर कमांड मिलती रहे। ओके सही। हाँ लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आगे फ्यूचर भी, लेकिन समटाइम्स ये कभी कभी जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका फोकस जो है वो आउट हो जाता है। सही, चले हम पूछ लेते हैं, ये पूछते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोकस्ड आउट वाकई होता है कभी-कभी, वो इंसान हो जाता है क्या? हां समटाइम इंसान थोड़ा डाउन भी फील। लेकिन अभी फोकस है अली किस चीज पे है? इलेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आवाम हल्के में घूम रहे हैं आप? पैशनेट, देखें कह रहा हूं पैशनेट आदमी, बिल्कुल हल्के में मैं रह रहा हूं। अच्छा उनसा जरा बताइएगा ये अपनी जो लीडरशिप है उसकी, अली उसकी गुड बुक्स में, यानी अच्छे बच्चे हैं, इनके ताल्लुकात अपनी लीडरशिप के साथ किस तरह के हैं, थोड़ा सा जरा कार्ड्स की रोशनी में। ताल्लुकात तो इनके अच्छे हैं, लेकिन छोटे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे।
सच्चाई बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे इंसान है कि खामोशी से काम करने वाले हैं, शोर शराबा नहीं करते, अगर कोई काम इनको करना होता है तो हमिट की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा परमिशन भी नहीं लेते, इजाजत भी नहीं लेते कि मुझे ये काम करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो एनर्जी है वो मनमानी एनर्जी है, अपनी मर्जी से जो उनको बेहतर लगता है वो कर लेते हैं, जो बेहतर नहीं लगता वो नहीं करते। तो ऐसे ही है, कर जाते हैं काम ये, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ, वो सलमान खान का डायलॉग है ना, मेरे बारे में ज्यादा सोच रहा नहीं, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। इसको तो फिल्में भी देखते हैं आप? हाँ, शौक है। अच्छा, फिल्में देखने का शौक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।